तो दूसरे चरण का मतदान जारी है और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो 67 सीटें जिनमें आज वोटिंग हो रही है, सुबह से ही हम देखें तो मतदाता अपने मताधिकार को लेकर जागरूक भी नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात करें तो सुबह 7 बजे से यहां पर वोटिंग शुरू हुई है और उत्तराखंड में 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। वोटिंग परसेंटेज अभी जो निकल कर आया है वो 11% है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 67 सीटों के लिए जबरदस्त वोटिंग हो रही है। अब तक वोटिंग के 3 घंटे पूरे हो चुके हैं, सुबह 7 बजे से यहां पर वोटिंग शुरू हुई है। वोटिंग परसेंटेज जो अब निकल कर आया है शुरुआती 2 घंटों में अगर हम देखें तो लखीमपुर खीरी में 9 बजे तक 8% वोटिंग हुई है, निघासन में 9 बजे तक 11% वोटिंग हुई है, धौरहरा में 9 बजे तक 8% वोटिंग हुई है, ये लखीमपुर खीरी में ही आता है। अमरोहा की बात करें तो 9 बजे तक यहाँ भी एक अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है। सहारनपुर में 9 बजे तक 11.8% वोटिंग हुई है, लखीमपुर में 9 बजे तक 8% वोटिंग हुई है, धौरहरा में 9% वोटिंग हुई है, संभल जिले में 9 बजे तक 12.6% वोटिंग हुई है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों का हम ओवरऑल अगर परसेंटेज निकाल के देखें तो 12% के लगभग ये वोटिंग परसेंटेज जो देखने को मिल रहा है। संभल जिले में सुबह 9 बजे तक 12.6% मतदान हुए हैं। तो अब देखिए जरा उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और अभी जो वोटिंग परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो 2 घंटे पूरे होने के बाद पोलिंग बूथ्स पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। तो फिलहाल आपको बताएं कि सुबह 9 बजे तक यानी कि 1 घंटा अगर हम देखें तो 6% वोटिंग होने की खबर है। अल्मोड़ा में 7% तक मतदान हुआ है, हरिद्वार में कहीं 8 तो कहीं 10% तक मतदान हुआ है, उत्तरकाशी में 1 घंटे में 7% मतदान हुआ है। आपको बताएं कि चूंकि उत्तर प्रदेश में सुबह 7 बजे से वोटिंग हुई है शुरू और पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से उत्तराखंड में 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई और कुल मिला के जो वोटिंग परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो 8% के लगभग देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ के विक्रम राव खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम तरह से एक एनालिसिस करने की कोशिश होगी के विक्रम राव, जिसे समझने की भी कोशिश होगी। लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है और ऐसे में कई चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों के लिहाज से। रेजिडेंट एडिटर पवन लाल चंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं, सर्वेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामपुर से और आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिजनौर से। तमाम चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। जरा मैं सबसे पहले वोटिंग परसेंटेज चूंकि निकल के आया है जरा रामपुर का रुख कर लेती हूँ। सर्वेश, रामपुर में वोटिंग परसेंटेज क्या निकला है? देखिए स्वतः, अगले 2 घंटे में जो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक वोटिंग हुई है उसमें 11% रामपुर में वोटिंग हुई है। और एक बार मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा इसके साथ साथ कि इस समय हम शहर के एक रजा डिग्री कॉलेज के बूथ में हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों में उत्साह दिख रहा है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि जैसे लोग मेले में जाते हैं उस तरह से यहाँ पे तमाम लोग वोट देने के लिए आए हुए हैं। कई मतदान स्थल मध्य स्थल यहाँ पे बने हुए हैं जहाँ पे लोग वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये विरोध जता रहे हैं कि तमाम कोशिशों के बाद उन लोगों का जो है कि यहाँ पे अपना वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा है। इनके पास आधार कार्ड है और वोटर आईडी कार्ड है, उसके बाद भी क्या दिक्कत है आपको? वोटिंग नहीं आया घर पे हमारे, तो यहाँ पे आपने ढूंढा, आपको मिला नहीं? नहीं, नहीं मिला हमें, नहीं मिला। क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे हैं कि यहाँ नहीं है आपका, आ नहीं रहा है यहाँ, किसी की बॉडी नहीं आ रहा था। जितने बढ़ गए हैं जितने उनके लोग बढ़ा है सर, और जितने बोर्ड है कि किसी लोगों का एक बोर्ड नहीं आया। हमारे मोहल्ले में कम से कम 800 बोर्डों में 400 बोर्ड आए कम से कम। तो क्यों दिक्कत क्या? वोटर आईडी कार्ड नहीं है, लिस्ट में नाम नहीं है? लिस्ट में नाम नहीं है, खाली बस लिस्ट में नाम नहीं है, बाकी दावा तो ये होता है साहब। घर के मुखिया है उनका तो आए नहीं है, जो छोटे पंची उनके वोट आ गए। ये सरकार की बहुत कमी है और ये नियम के साथ होना चाहिए। तो चलिए सर्वेश, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। कुल मिलाकर के लोगों को एक आगे समस्या आ रही है, जो वोट देने के लिए पहुंच रहे कई जगह पर उनका नाम नहीं है और इसको लेकर के लोगों में थोड़ी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। हालांकि सर्वेश, ये समस्या पहले चरण में भी आई थी, खासतौर पर जब हम नोएडा का ही जिक्र कर रहे थे उस वक्त, तब वहां पर मैंने ये समस्या देखी थी। लोग गुस्से में थे कि उनका नाम क्यों नहीं है लिस्ट में। बिजनौर का रुख कर लेती हूँ, आशीष हमारे साथ है। आशीष, क्या वहां पर भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है वोटिंग लिस्ट में नाम ना होना? हाँ श्वेता,
हाँ श्वेता बिल्कुल, वोटिंग लिस्ट में कई लोगों के नाम नहीं मिले हैं जबकि उनके पुरानी लिस्ट में नाम थे। इससे जुड़े हुए हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, हम सीधा उन्हीं से जानते हैं उनकी क्या समस्या है। जी बताएं, आप बताएं। हाँ जी, मेरा वोटिंग लिस्ट में हमेशा नाम होता है, मैं देकर जाती हूँ यहाँ पर वोट, लेकिन इस साल मेरा वोट नहीं लिया गया है और हर तरह से नाम पता करने के बाद ये कहा गया कि आपका नाम कैंसिल हो गया। तो श्वेता ये स्थिति है कि नाराजगी है लोगों में, वोट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हमारे साथ बीजेपी की यहाँ की कैंडिडेट है सूची चौधरी जी, जो बीएसपी की कैंडिडेट है, उनसे हम सीधा बीजेपी की कैंडिडेट है सीधा हम उनसे ही जानते हैं कि क्या उनकी तैयारियां और क्या माहौल है। आपको क्या लगता है कैसी स्थिति है? स्थिति बहुत अच्छी है और मुझे सभी का समर्थन और सहयोग मिल रहा है। अच्छा, आरएलडी आप जाट बिरादरी से आती हैं, आरएलडी की स्थिति की तरफ से भी एक प्रत्याशी हैं यहाँ पे, तो राहुल सिंह, तो उनके लिहाज से आपको नहीं लगता कि वोट कहीं बढ़ना जाए? कोई प्रभाव नहीं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी सीधी फाइट समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं रुचि वीरा जी, उनसे मानी जा रही है, तो आपको कैसी स्थिति नजर आती है? मेरी सभी मुझसे फाइट मान रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि मुझे सभी का समर्थन मिल रहा है, तो स्थिति बहुत अच्छी है और मुझे सभी का सहयोग मिल रहा। आशीष बिल्कुल, यहाँ पर शुचि वीरा और रुचि वीरा दो एक फैक्टर देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। जरा मैं के विक्रम राव जी का रुख करना चाहती हूँ। के विक्रम राव जी, खास तौर पे अगर हम बात करें तो बहुत जगह पर एक तरह से लोगों ने अपने दल बदल दिए, इस वजह से कई जगह सीधी सीधी टक्कर है तो कई जगह त्रिकोणीय मुकाबला है। कुल मिलाकर दूसरे चरण को अगर समझने और देखने की कोशिश करें तो आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स भी है, डेवलपमेंट का इशू पीछे हो जाता है, ज्यादातर एरिया में अगर हम देखें तो मुस्लिम डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं, किन पैमाने पर खासतौर पर दूसरे चरण में चीजों को देखा जाए? श्वेता, इस पूरे इलाके में खासकर रोहिलखंड में 50-50% हैं बिल्कुल मुसलमान और गैर मुसलमान, तो मुस्लिम वोटर्स तो समीकरण बदलेंगे ही और झुकाव उनकी वजह से बढ़ेगा। लेकिन एक बात गौरतलब ये है कि 2012 और 2014 के चुनाव और मतदान की तुलना करें हम लोग, तो स्पष्ट होता है कि जो भी विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा के चुनाव में लोगों को वोट मिले होंगे जिस पार्टी को भी, बीएसपी को, एसपी को या भारतीय जनता पार्टी को, 2014 में सारी लोकसभा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने बाकी पार्टियों का सूपड़ा साफ कर दिया था। तो अब देखना होगा कि दो साल में 2012-14 में तो अंतर पड़ा वोटिंग पैटर्न का, यहाँ अब 3 साल बाद कितना फर्क पड़ेगा। इस बार समाजवादी पार्टी का सारा दारोमदार इसी पर है उनके गठबंधन से कि मुस्लिम वोटरों का झुकाव उन्हीं की तरफ होगा, और भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण कर दिया है इस क्षेत्र में बिल्कुल। तो अगर कहीं गैर मुसलमान वोट एकजुट हो गए तो चुनाव का परिणाम बदल सकता है। फिलहाल मुझे लगता है श्वेता, आज शाम को जब फाइनल फिगर आ जाएगी, अंतिम चुनाव प्रतिशत की गणना होगी, तब पता चलेगा झुकाव किधर है और किसकी संभावना है। श्वेता बिल्कुल, आप बने रहिए के विक्रम राव जी। जरा एक बड़ा दिलचस्प एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, मंत्री भी वोट नहीं कास्ट कर पाए, मंत्री दिनेश अग्रवाल अपना वोट नहीं डाल पाए, देहरादून से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अब सोचिए कि मंत्री अगर वोट कास्ट नहीं कर पा रहे तो जो लोग एक आम आदमी वहां पहुंच रहा होगा उसको भी किस तरीके की समस्याएं आ रही होंगी। यहां पर फिलहाल आपको बता दें ईवीएम खराब हो गई है और काफी देर तक इंतजार किया दिनेश अग्रवाल ने, जिसके बाद थक हार करके वो वापस लौट गए। तो देहरादून में इस वक्त आपको बता दें कि ईवीएम खराब हो गई, लवडेल स्कूल में जहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे मंत्री दिनेश अग्रवाल। फहीम है ज्यादा जानकारी देने के लिए। फहीम, क्या हुआ, कितनी देर से ईवीएम खराब है, इतना स्थिति ऐसी हो गई कि काफी इंतजार के बाद लौटना पड़ा मंत्री को, दिनेश अग्रवाल को? जी, करीब 15 मिनट तक उन्होंने प्रतीक्षा की और ये ईवीएम खराब रही और यहाँ पर काफी लंबी लाइन लगी हुई है जो मतदाताओं की, और इंतजार करने के बाद में दिनेश अग्रवाल चले गए। हालांकि जो ईवीएम खराब थी पहले उसको ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन अब जो अभी ताजी से सूचना है ईवीएम बदल दी गई है और वोटिंग वहां पर शुरू हो गया है, लेकिन मंत्री दिनेश अग्रवाल
वापिस जा चुके हैं और उनके जो स्टाफ से हमारी बात हुई है उनको अभी क्योंकि वो वापिस घर चले गए थे तो उनका ये कहना है कि अभी कुछ देर के बाद जाएंगे दोबारा डालेंगे, लेकिन वो काफी देर की प्रतीक्षा करने के बाद भी चले गए। लेकिन इससे एक सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि जो ईवीएम की जो ट्रेनिंग हुई थी उस समय भी सारी दुरुस्त व्यवस्थाएं बताई गई थी, लेकिन अगर पहले ही अभी तो एक ही घंटा हो रहा है, एक सवा घंटा हो रहा है वोटिंग को, अगर इसी में मशीन खराब हो जाए तो कहीं ना कहीं वो मशीन को ट्रेनिंग का जो पार्ट है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं, मशीनों की जो चेकिंग का पार्ट अभी ठीक हो पाई मशीन लगातार चली उसमें भी सवाल खड़े होते हैं। चलिए फहीम, आपसे आगे अपडेट लूंगी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पवन लाल चंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन लाल जी, एक बात ही मुझे बताइए, चलिए एक जगह से सामने आई है खबर देहरादून से, जहां पर ईवीएम की खराबी की वजह से मंत्री को लौटना पड़ा है। अब वो कब आकर के वोट डालते हैं ये देखने वाली बात है, लेकिन एक चीज अगर हम उत्तराखंड के लिहाज से इस बार देखें तो बहुत दिलचस्प ये हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने अपनी सीट को छोड़ करके नई सीट को चुना है, ये कहे पाला बदल दिया गया है, इस वजह से कहीं ना कहीं मजबूरी भी रही होगी, ये चीजें कितना प्रभाव डालेंगी इन चुनावों में खासतौर पर? देखिए, एक तो जो दलों से पाला बदल हुआ है, 14-15 लोग कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं और उसके बाद 5-6 लोग बीजेपी से कांग्रेस में आए, उसके अलावा बहुत सारे दिग्गजों ने अपनी सीट भी बदल ली है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री हरीश रावत सीमांत क्षेत्र है, वहां से धारचूला से विधायक हैं, लेकिन इस बार वो पहाड़ छोड़ करके मैदान में आ गए हैं और दो सीट चुनी है, किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण। इसी तरह से हरक सिंह रावत हैं, वो रुद्रप्रयाग से विधायक थे और अब वो आ गए हैं कोटद्वार में। उसके अलावा टिहरी से चुनाव हारे थे, पिछला 2012 का विधानसभा चुनाव हारे थे, किशोर उपाध्याय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो टिहरी छोड़ करके इस बार आ गए हैं सहसपुर में, जहां उनको पार्टी के बागी का सामना भी करना पड़ रहा है। सतपाल महाराज चौबट्टा खाल गए हैं, हालांकि पहली बार ये विधानसभा का चुनाव वो लड़ रहे हैं। उसके अलावा शैलेंद्र सिंह रावत हैं, वो कोटद्वार से चुनाव लड़ते थे लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस का टिकट लेकर के यमकेश्वर चले गए हैं। तो इस तरह से दर्जन भर से भी ज्यादा दिग्गज हैं जिन्होंने अपनी सीट, परंपरागत सीट छोड़ी है और दूसरी सीटों पर जाकर के वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि वहां के समीकरण कितने उन नेताओं के लिए मुफीद बैठते हैं, लेकिन जमकर उत्तराखंड में दल बदल भी हुआ है और उसके बाद फिर जमकर नेताओं ने अपनी परंपरागत सीट से पलायन भी किया है। जी बिल्कुल पवनलाल, और लोग इस तरह से इन लोगों को कैसे देखते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और ऐसे में कौन कितना अपने काम को बता पाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब 2012 में कांग्रेस के साथ जो लोग रहे होंगे वो बीजेपी में आ गए हैं तो क्या उनके कामकाज को बता रहे हैं, अपने कामकाज को बता रहे हैं, या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी रहेगा? बने रहिए हमारे साथ, हम दिव्या का भी रुख कर लेते हैं, अमरोहा से है। दिव्या, वोटिंग परसेंटेज क्या रहा और किस तरह से तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, दिलचस्प एक समीकरण अमरोहा में भी बनता नजर आ रहा है। बिल्कुल श्वेता, और इस वक्त हम अमरोहा के नगर पालिका परिषद में मौजूद हैं। सबसे पहले अपडेट में आपको दे दूं कि 14% वोटिंग अभी तक रिकॉर्ड दर्ज की गई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि शाम 5 बजे के बाद जो पिछली बार का रिकॉर्ड रहा था वो रिकॉर्ड भी टूटेगा। लेकिन फिलहाल अपडेट ये भी है कि अब से कुछ देर बाद जो एसपी के कैंडिडेट हैं महबूब अली और यूपी सरकार में मंत्री हैं वो यहां वोट डालने के लिए आने वाले हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल मतदान यहां पर शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है।